भंडारी हत्याकांड के बाद कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया था और उस दिन कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ एक और महिला ने सर मुंडवाकर जो है कहा था कि अंकिता को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हैं, महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या लगता है कि इस बयान के क्या मायने आते हैं? देखिए, महेंद्र भट्ट जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्हें राजनीति को राजनीति के स्तर से करना चाहिए। हम सब इंसान हैं और इंसानों को अपने दायरे में बात करनी चाहिए। उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि सनातन धर्म का अपमान कर दिया। उन्हें सनातन, इसका अर्थ यह है कि उन्हें सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है। क्या सनातन धर्म में उन्हें पता है कि ऋग्वेद में स्त्रियों को भी यज्ञोपवीत के लिए उचित माना गया है, अधिकार है, और यज्ञोपवीत का प्रारंभिक चरण है कि केश दान करना। उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी नेता ने जब सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बनने की बात चल रही थी तो सुषमा स्वराज जी ने, आज दिवंगत हो गई हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि अगर ये बनेंगी तो मैं अपने केस कटवा दूंगी। तो ऐसा ये नहीं है कि उन्हें इस कारण के पीछे जाना चाहिए। सनातन धर्म का कहीं कुछ अपमान नहीं हुआ, उन्हें सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है। फर्क ये है कि उनका सनातन राजनीतिक शक्तियों को प्राप्त करने का सनातन है, उनका सनातन सत्ता में बैठने का सनातन है, हमारा सनातन मानवता का सनातन है। हमारा सनातन ऋषि मुनियों के द्वारा, वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा जीवन पथ पर कैसे आगे बढ़ना है, निश्चलता से मानवता के साथ साथ कैसे आगे बढ़ा जाए, वो सनातन हमारा सनातन। और ये दोनों का इनके केस काटने से कोई संबंध नहीं है। स्त्रियों ने ये अतीत से लेकर आपका ऋग्वेद से लेके और द्वापर से लेके आज तक इस बात का कई प्रमाण मिलते हैं कि स्त्रियों ने अपने पक्ष की कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए केसों का उपयोग किया। द्रौपदी ने अपने केसों को खुला छोड़ा इस रूप में कि जब तक मैं इस अपमान का बदला नहीं लूंगी दुर्योधन से और कौरवों से, तब तक मैं अपने केसों पर नहीं बांधूंगा। आज हमारी दो बहनों ने आक्रोशित होकर, उद्वेलित होकर इस रूप में अपने केस कर्तन करवाए कि ये सरकार उस तथाकथित अपने नेता को बचा रही है, वीआईपी को। आज एक वर्ष बीत जाने के बाद भी अंकिता के माता पिता परेशान हैं। उसके जैसे तमाम अपने बच्चों की और उत्तराखंड की अस्मिता की चिंता करने वाली हमारी तमाम, हमारे लोग, उत्तराखंड के लोग परेशान हैं, हमारी बहनें परेशान थी। और उस भावावेश में उन्होंने अपने केस, उनको तो सरकार के सामने खड़ा होकर, बीजेपी की महिला अध्यक्ष को और बीजेपी के अध्यक्ष भट्ट जी को सरकार के सामने खड़ा होकर, भले वो पर्दे के पीछे सरकार के सामने प्रश्न पूछते, लेकिन पूछते कि भाई वो वीआईपी कौन है, हम जानना चाहते हैं, यहाँ की जनता जानना चाहते हैं। और इतनी बेशर्मी से सरकार का इस रूप में बचाव कर रहे हैं। अरे भाई, सरकार का बचाव आप दूसरे मुद्दों पर करिए, लेकिन अंकिता भंडारी का जो वीआईपी जो हत्यारा है वो कौन है हम पूछ रहे हैं, और उसमें आप सरकार का बचाव कर रहे हैं, तो बेशर्मी की हद है। और ऐसी बेशर्मी की जब तक वो हद पार करेंगे हमारे निशाने पर बने रहेंगे। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने जो रिपोर्ट जो अस्पताल है उसका नाम अंकिता के नाम रखने की एक बात की है, एक नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पर रखने के लिए किसने मांग की? अंकिता के माता पिता ने क्या ये मांग रखी थी? क्या कांग्रेस ने मांग रखी थी? ये तो जली हुई आग को बुझाने की कोशिश है, उस जली हुई आग को बुझाने की नाकाम कोशिश है। ये आग इस तरह नहीं बुझेगी, हम तब तक नहीं मानेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमारे निशाने पर आती रहेंगी, जब तक अंतिम रूप से उस वीआईपी का जिक्र नहीं हो जाता और भाजपा का वो बड़ा नेता सरेआम लोगों के बीच नहीं आ जाता, जब तक जेल में सलाखों के पीछे नहीं होता, कानून से उसको जब तक फांसी नहीं होती, तब तक ये सरकार हमारे निशाने पर बनी रहेगी। किसी संस्थान का नाम अंकिता के नाम पर रखने से ये आग बुझने वाली नहीं, ये कोशिश उनकी जरूर है। किसी ने ये मांग नहीं की थी, बस उन्होंने आग बुझाने के लिए कोशिश स्वरूप ये नाम रखा है, लेकिन किसी की मांग नहीं की। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी हमारे साथ हैं, आगे कहाँ जाने वाली आप लोगों की ये लड़ाई? देखिए, ये लड़ाई अब जो मेरा 5 अक्टूबर से प्रोग्राम है, मैं लोकसभा 22 विधानसभा 22 महिलाओं के बीच में जाने वाली हूँ और महिलाओं के साथ ये बात करने वाली हूँ कि क्या सच में आप लोग अपने प्रदेश की बेटी के साथ न्याय चाहते हैं? जो प्रदेश में रेप केसेस बढ़ रहे हैं उसके लिए न्याय चाहते हैं? तो आगे आइए, इस सरकार को आईना दिखाने का काम हम सबको करना पड़ेगा। और हम लोग लगातार, अब अगर इस सरकार नहीं मानेगी तो हमारे तो जिलाध्यक्ष भी बह रहे हैं और हमारे अब आज सर ने बताया कि मेन कांग्रेस के लोग भी सारे प्रदेश अध्यक्ष जी और सीनियर लीडरशिप सारी
इस लड़ाई को दुगने तरीके से बड़े रूप में, बड़े स्वरूप में ले जाने को तैयार है। हम लोग आज सरकार से बार बार जो अभी ये बात आई है कि वो सनातन धर्म का अपमान बोल रहे हैं महेंद्र भट्टी या आशा रौटियाल जी, तो मैं जरूर एक बात बोलना चाहती हूँ कि हमारे देश में महिलाओं के साथ बलात्कार सनातन धर्म के पक्ष में आता है। जो मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, क्या वो सनातन धर्म के पक्ष में बीजेपी को लगता है? या जो हाथरस की घटना हुई थी, जो महिला पहलवानों के साथ इनके सांसद ने ब्रजभूषण सरन ने करा, क्या ये सब सनातन धर्म के पक्ष में है? आप लोग कम से कम जब महिलाओं की बात आए तो इसको धर्म से न जोड़ें। आप लोग वैसे भी पूरे देश में धर्म की ही राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जब आपके प्रदेश की इंटीग्रिटी की बात आई थी तो आपको सबसे पहले सीबीआई जांच करनी चाहिए थी, ना कि बुलडोजर चलाना चाहिए था। और आज इस चीज़ को धर्म से जोड़ना, ये दिखाता है कि बीजेपी के पास धर्म के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। शिवानी जी, जो सबसे बड़ा आभूषण जो होता है महिलाओं का, उसके बावजूद आपने जो है इस तरीके से वहाँ पर हमने देखा कि आपको भावुक भी थे, आगे किस तरीके सरकार से मांग है, क्या कुछ उम्मीद भी है कि सरकार करेगी, क्योंकि एक साल का वक्त पूरा हो गया? उम्मीद तो बहुत कम लगती है कि सरकार कुछ करेगी। पिछले एक साल से पूरी कांग्रेस, महिला कांग्रेस और बाकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस धरने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि महेंद्र भट्टी ने कहा कि इससे पहले हमें मौन व्रत धरना चाहिए था या सत्याग्रह करना चाहिए था, तो वो सब तो हम कर चुके थे, तो हमारे पास और कोई रास्ता था नहीं। जब हमारी प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी ने कहा, मुझे ये बताया कि हम ऐसा करने वाले हैं, तो मैंने थोड़ा सा उसको प्रोसेस किया, फिर मैंने बिना झिझके बोला कि हाँ ठीक है, हम करते हैं आपके इस क्या कहते हैं निर्णय में, हम आपके साथ हैं और आप पीछे नहीं हटेंगे। तो हमने ये काम कर दिया है। अगर भट्टी अभी भी ये बात बोल रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है, तो भाजपा की महिलाएं आके क्यों नहीं ऐसा काम कर रही? हमें अपना उत्तराखंड की बेटी बहनों का तो गर्व है, इसे भावुक होना स्वाभाविक था। और केश किसी भी महिला के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बिल्कुल ऐसे ही नहीं अपना सर मंडवा देगी, लेकिन ये रीज़न बहुत इम्पोर्टेंट था एक कॉज के लिए। उत्तराखंडी होने के नाते हमने उत्तराखंड की माँ बहन बेटियों के लिए न्याय की गुहार लगाई है, जो कितनी सफल होती है। अगर सफल नहीं होती है, धामी जी नहीं सुनते हैं, नहीं चेतते हैं, तो जैसा कि अभी पूर्व अध्यक्ष गणेश गुदियाल जी ने कहा और ज्योति जी ने कहा, हम इसको एक बड़े जन आंदोलन के रूप में लेंगे, जिसमें हमारे साथ पूरे उत्तराखंडी, अभी वो भी इस चीज़ को समझ चुके हैं कि अगर ये सुरक्षित नहीं होती हैं, भाजपा सरकार में कोई भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो सबको इकट्ठा होके इस बात के लिए आगे आना पड़ेगा और हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे। सीधे तौर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे सनातन का अपमान बताया, और वहीं अब कांग्रेस का कहना है कि ये लड़ाई और ज्यादा उग्र होगी, एक बड़ा आंदोलन करेंगे और न्याय के लिए लगातार लड़ते रहेंगे। रवि कैंथुरा, देहरादून।